अपने नेत्रों के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रही हैं कि आपका जो 400 पार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए और जिस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। हम लोग इतना काम किए हैं और केंद्र की तरफ से कितना कितना काम कर दिया, आज जो आज तक कभी कोई काम नहीं किए वही आकर के यहाँ कहते हैं, तो हम तो सब लोगों को कहेंगे कि जितना काम कर दिया है कोई किसी के आधार पर बाएं दाएं इधर उधर कोई धंधा करने की बात करता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर जो बेचारे हैं, आप यहाँ पर किसी को कैंडिडेट बना दिया, अब जो ललन बाबू जो यहाँ से हैं, अब किसको कैंडिडेट बना दिया, क्या मतलब है? सारा काम हम लोग किए हैं, आज जात के आधार पर कुछ वोट के चक्कर में है? आप जान लीजिए, जात के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे हैं, बिहार के अररिया और मुंगेर में उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। देखिए, मुंगेर में काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंची थी, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंगेर के सांसद जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। उस मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूब हुंकार भरी है। वो पूरा वीडियो आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब ललन सिंह की, तो इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है कैसे ललन सिंह ने और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही विरोधियों पर खूब हुंकार भरी है, खूब कहा है जिन्हें सत्ता में लाए थे हम दो बार, इशारा तेजस्वी यादव और आरजेडी की ओर था, वो कमाने लगे थे इसलिए हमने उन्हें हटा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है मुंगेर की सभा में, वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ थी, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है ललन सिंह ने। ललन सिंह वहाँ से उम्मीदवार हैं, सामने में अनिता देवी जो कि अशोक महतो की पत्नी है वो आरजेडी से उम्मीदवार है। भीड़ तो काफ़ी आई थी ललन सिंह की सभा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में, नीतीश कुमार की सभा में। क्या कुछ ललन सिंह कह रहे थे, नीतीश कुमार क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पूरी सभा में, जरा सुनिए। और प्रधानमंत्री जी, आपको स्मृति चिन्ह अभी मैंने दिया है, उसमें माँ का जो 52 शक्ति पीठ है उसमें एक शक्ति पीठ मुंगेर में भी है जहाँ माँ का नेत्र गिरा है। आज मुंगेर की धरती से माता अपने नेत्रों के माध्यम से आपको आशीर्वचन दे रही हैं कि आपका जो 400 पार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए और जिस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुंगेर की धरती पर आपका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको याद रहना चाहिए, हम लोग तो एक साथ 2005 से बिहार की सेवा करने के लिए आए, इसको याद रखिएगा। 2005 के नवंबर में हम लोग आए, काम करने लगे, लेकिन याद कीजिएगा कि उसके पहले जिसको 15 साल तक का मौका था और उसके पहले कांग्रेस को मौका था, इन लोगों ने क्या किया था आप जानते थे? शाम में घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। याद रखिए 2005 के तक जो हालत है इसको याद रखना चाहिए। और कितना विवाद होता था, आजकल तो सब समझता है कि मुस्लिम हमारा, हम वोट लेंगे, तो कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराते रहते थे। तो इन सब चीजों को याद रखिए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और बिल्कुल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत मुश्किल से एक महीने में 29 लोग इलाज के लिए जाते थे। तो अब क्या हाल था, कहीं सड़क नहीं था तो कोई तरह की चीज नहीं थी, कहीं बिजली नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने एक एक चीज का काम किया, कितना विकास किया। और आप जानते हैं अब पूरे राज्य में प्रेम भाईचारे का और शांति का माहौल है। और ये जो मुस्लिम लोग का वोट लेने का चक्कर में रहता है, आप बिना मतलब का ही लोग जो मुस्लिम लोग समझते हैं, पता नहीं क्या किसके दिमाग में क्या बात आती है। तो याद रख लीजिए कि जब पहले
आप लोगों के साथ झंझट होता था, तो हम लोग जब थे 2005 में, तो 2006 में हम लोगों ने कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई। हिंदू मुस्लिम के इलाके में रहता था, वहां करने में बड़ी दिक्कत होती थी, वहीं झंझट बहुत होता था। तो हम लोगों ने किस तरह से किया, जो उस समय 8000 से थोड़ा ज्यादा तय हुआ वो तो कर ही दिया, और अब 1000 के करीब और तय हुआ उसको भी हम लोगों ने करना शुरू किया। तो काम तो सब हम लोग किए हैं, और सिर्फ हम लोग कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं, हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का घेराबंदी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, हर क्षेत्र में हम लोग काम किया है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल पुलियों का निर्माण हो। और आप जानते हैं उसके बाद करते करते हम लोगों ने आगे कितना किया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब काम करा दिए। पहले क्या हाल था, कुछ था, अब उसको वोट दीजिएगा आ कमवा हम लोग किए हैं, आ वोट लेगा वो कोई काम करता, सब कमाई के चक्कर में है। और कितना ज्यादा काम हुआ, तो सब दिन हम लोग करते हैं, बीच में तो खैर दो बार उसको थोड़ा मौका दिया, गड़बड़ किया हम लोग हटा दिए, और हम लोग जो साथ रहे हैं वो सब दिन के लिए हम लोग साथ रहेंगे, अब कहीं कुछ नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया, आप जान लीजिए 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी, और बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी दिया गया। और हम लोगों ने 20 में तय कर दिया, क्या कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। और आपको मालूम है 4 लाख से ज्यादा नौकरी हो गया, 1 लाख के करीब काम पूरा होने जा रहा हो रहा है, 3 लाख का काम शुरू हो रहा है, और हम लोगों का काम अगले साल के अंत में शुरू होगा। तब तक 10 लाख तो करेंगे ही, जरूरत पड़ेगा तो उससे ज्यादा करेंगे। और आप जान लीजिए रोजगार का काम भी 5 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो एक एक तरह से हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर काम करते रहते हैं। तो इसीलिए याद करिए कि जो दूसरे लोग के चक्कर में, उन लोगों के चक्कर में मत रहिए, अनाप शनाप बोलता रहता है। तो इसीलिए अब मुंगेर जिला में कितना काम हुआ है, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी कितना काम हुआ, मुंगेर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI और सभी अन्य मंडलों में ITI की स्थापना हुई। अब एक एक काम हम लोगों ने किया है, और मुंगेर के रेल सह सड़क पुल का जो निर्माण हुआ है, आपको हम याद कराना चाहते हैं, इसका शिलान्यास तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 26 दिसंबर 2002 को उसका शिलान्यास किया गया। अब वो काम पूरा हो गया, तो कितना बड़ा काम हो गया, मुंगेर के लोगों ने रात में अपने घरों में सब कुछ दीप जलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो एक एक तरह से सारा काम सब कुछ हो रहा है। तो इसीलिए पूरे तौर पर सब काम हम लोग कह रहे हैं। और मुंगेर में मिर्चा जोगी के पुराने पथ को ठीक किया जा रहा है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, ये नए 4 लेन ग्रीन फील्ड पथ का कार्य किया जा रहा है। तो अभी तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके सामने सब बात कहेंगे, हमने तो संक्षेप में कहा है कि हम लोग इतना काम किए हैं, और केंद्र की तरफ से कितना कितना काम कर दिया, आज जो आज तक कभी कोई काम नहीं किए वही आकर के यहाँ कहते हैं, तो हम तो सब लोगों को कहेंगे कि जितना काम कर दिया है, कोई किसी के आधार पर बाएं दाएं इधर उधर कोई धंधा करने की बात करता है। अब यहाँ बताइए, यहाँ पर जो बेचारे हैं, आप यहाँ पर किसी को कैंडिडेट बना दिया, अब जो ललन बाबू जो यहाँ से है, अब किसको कैंडिडेट बना दिया, क्या मतलब है, सारा काम हम लोग किए हैं, आज जात के आधार पर कुछ वोट के चक्कर में है। आप जान लीजिए जात के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। और हम लोग आई बाकी सब लोग
अपने परिवार को कराता है, बाल बच्चा को कराता है। यह पर आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आप देखिए कोई बाल बच्चा को करते हैं? बिहार में भी हम लोगों को मौका मिला है, हम लोगों ने अपने परिवार को किसी को कुछ किया है, लेकिन कुछ लोग अपने परिवार को ही सब कुछ करते रहते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता सांसद ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया है, सुनवाया है। देखना यह है, 13 मई को यहाँ वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को प्रणाम कहा है कि देश का विकास हो रहा है आपके एक वोट के कारण। देखना होगा ये जो भीड़ आई थी क्या ये वोट में तब्दील होती है। ललन सिंह कई बार वहाँ से सांसद रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा रहा है। नीतीश कुमार ने कैसे एग्रेसिव भाषण दिया है, काफ़ी आक्रामक होकर अपने विरोधियों को चिताया है, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।